पाजी आपके ना कुछ चाहने वाले पता क्या आपके बारे में बोलते बाहर बोलते कि सुखविंदर पाजी की इतनी शेर जैसी आवाज है इतनी बुलंद आवाज है वो शायद इसलिए कि अभी तक शादी नहीं की तो कहते जिस दिन शादी होगी ना उस दिन देखेंगे कितनी बुलंद आवाज में कैसे गाते हैं पाजी वैसे मैं आपको सलाह दूं आपके छोटे भाई ने भी कर लिया पहले पहले डर लगता है उसके बाद डरने की आदत हो जाती है नहीं पहले दो साल निकाल के दिखा पाजी आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत अच्छा लग रहा है आज आप थैंक यू थैंक यू वैसे तो सुखी पाजी ने हमारी इंडस्ट्री के तमाम म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है लेकिन ऐसा सुना है पाजी कि जब आप और रहमान साहब जब काम करते हैं तो दिन रात काम होता है क्योंकि आप करते हैं दिन में काम उनको रात में करने की आदत है तो फिर मैनेज कैसे होता है पाजी जब पहली दफा जब रहमान साहब से मुलाकात हुई इन अ शॉर्ट वे ही टोल्ड मी 10 o'clock 11 आई सेड नो प्रॉब्लम मैंने कहा ये तो बड़ा कंफर्टेबल पर्सन है यार कहते नहीं रात के 11 बजे बुला रहा है तो मैं कहा क्यों तो कहते 11 बजे बुला रहा है ये 12:30 1 बजे काम शुरू करेगा तो मैंने चलो मैंने सोचा चलो आज नहीं कल से ही ऐसे करते करते 1 साल मैंने पार्टी नहीं की अच्छा स्पेशल व्यक्ति स्पेशल जगह स्पेशल लोग स्पेशल बात ये बहुत रेयर होती है बहुत कम होते हैं हर जगह कपिल शर्मा नहीं मिलता हर जगह अर्चना जी जैसी खूबसूरती चमक आपको बताऊं आप इतने अच्छी किस्मत गोल्डन किस्मत डायमंड मतलब प्लेटिनम किस्मत लिखवा के आए हैं आप कई सालों से हंसते रही हैं मुस्कुराती रही हैं और ऐसे ही हंसती रहे हैं और आप आज भी वैसी हैं जैसा जब से मैं आप पे क्रश रखता था चलवा वो आपका वो तो चलवा मतलब आज भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा मैं फ्लर्ट करता रहूं आपका अरे जुबिन की एक आपने आदत देखी जब भी आपने गाते देखा ना हमेशा खुश होके गाते हैं चेहरे पे Smile. अच्छा आपको किस बात की खुशी रहती है पेमेंट एडवांस में ले लेते हैं आप है? नहीं होता ना कि मैं मुझे डर नहीं है मेरे पैसे आ गए हुए हैं मेरी रात दिल न जाए पावे पावे यही पैसे आने वाले हो ना आदमी ऑर्गेनाइजर ढूंढता है पावे पावे किथे गया वे पाजी प्लीज विराजमान हो जाइए जुबीन के बारे में आपको बताऊं मैं जुबीन बहुत ही स्वीट है बहुत ही कमाल के सिंगर है ये देहरादून से पढ़ने पहले मुंबई आए थे फिर म्यूजिक सीखने वापस देहरादून गए फिर ये लाइट क्लासिकल सीखने बनारस गए फिर ये वेस्टर्न म्यूजिक सीखने चेन्नई गए तो आपको मतलब सर, एक गुरु पे यकीन नहीं है कहां से लाते हो पाजी कहां से लाते हो जुबीन बहुत सच्ची आपने सीखा इतना सर बनारस गया मैं चन्नू लाल जी से सीखने वो थोड़ा अच्छा उनकी जो उनकी लाइट क्लासिकल में अदायगी है एक्सप्रेशन भाव उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका जी फिर चेन्नई गया थोड़ा सा अल्टरनेटिव रॉक म्यूजिक शौकीन था तो मतलब अलग अलग जॉनर्स सीख करके फिर उसके बाद एक अपना स्टाइल मैंने कैसे करके फॉर्म करा बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है अच्छा मिथुन जब आप आशिकी 2 का म्यूजिक दे रहे थे तो पापा ने जो पहले काम किया वो एक्सपीरियंस काम आया कि आपकी अपनी आशिकी का एक्सपीरियंस आपको काम आया कॉलेज वॉलेज में हो ही जाता चलो उसमें क्या है नहीं बिल्कुल वो तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है देखा पर बड़ा ही खूबसूरत म्यूजिक दिया आपने वो गाना मुझे याद है जब हमने अपना शो नया नया शुरू किया था वो गाना क्योंकि तुम ही हो जी मतलब वो गाना इतने सारे एपिसोड्स में होगा अगर हमने वहां पे 200 एपिसोड किए तो कम से कम नहीं तो 100 एपिसोड में तो वो गाना लोग आके गाते थे इतना पसंद था मुझे भी इतना आज भी गाते हैं मतलब इतना कमाल का गाना मतलब आज हाँ आज भी आपको गाना है मैं यार पता इतने मैं वहां पे अच्छा हूँ जहाँ पे कोई नहीं अच्छा गाने वाला जहाँ पे इतने सब गुरु लोग बैठे वहां पे मैं पंगे नहीं लेता तो नहीं 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 देखिए मुझे सुखी गवाना है तो मेरे को कहीं फिल्म में गवा ठीक है ये डील है कपिल आज आप गा दीजिए और जो अगली बार आप गाएंगे मेरे माइक पे गाएंगे आई लव यू ब्रो आप लो ना फ्रूट लो यार कुछ लीची वगैरह लो आप मेरे खास मेहमान ये सारा आपका ही है भाई ये तरबूज भी आप लीजिए केले हैं एक क्या बोलते हैं हिंदी में भाजी ये क्या होता है अंगूर नहीं नहीं इंपोर्टेड अंगूर आलू बुखारा नहीं नहीं अंगूर इंपोर्टेड अंगूर अंगूर है
इतने बड़े ब्लैक ग्रेप नहीं नहीं है पर देखने में प्लम लग रहा है वो प्लम हां अंगूर है खा ले अंगूर है इतना महंगा फ्रूट कहीं हमें बीमार ना कर देना हमें आदत नहीं हमें आदत गले हुए केलों की तो ये सब एनीवेज मैं बैकस्टेज था तो सुखी पाजी ने बहुत खूबसूरत बात की हम जो है डिस्कशन कर रहे थे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मतलब बहुत कामयाब मुल्क है हमारा लेकिन बिजी से बिजी आदमी क्यों ना हो हर कोई जो है कपिल शर्मा शो देखता है शुक्र है ऊपर वाले का शुक्र है तो प्यार है लोगों का पाजी नहीं तो पहले टाइम पे तो हमें लोग यही बोलते थे बातें करता रहता करेगा क्या लाइफ में सीरियसली फिर बाद में पता चला ये ऐसी बातों के पैसे भी मिलते बड़ा एक खूबसूरत गीत बनाया है और शैलेंद्र और मिथुन ने दोनों ने ये एल्बम को जो क्रिएट किया है और हमने ये भी सुना है कि ये इतना खूबसूरत गाना है कि किसी एक्टर ने किसी भी जो भी जितने भी टेक्नीशियंस या जितने भी म्यूजिशियंस जिन्होंने काम किया उन्होंने पैसे नहीं लिए तो उन्होंने अपने दिल से नहीं लिए कि आपने लालच दिया था कि आप काम करो हम आपको कपिल शर्मा शो में लेके जाएंगे मैं तो मर रहा था एक सवाल के लिए पूछने के लिए कि कभी आपके शो पे सब आ चुके हैं सलमान कैटरीना डेविन ब्रावो पता नहीं कौन कौन ब्रेटली आपने कभी सोचा था कि शैलेंद्र सिंह आपके शो पे आएगा भाई मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था अच्छा मैं शैलेंद्र जी से पहली बार मिला हूँ लेकिन मैंने जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि शैलेंद्र जो है लगभग 72 फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं तालियां होनी चाहिए और 2000 से ज़्यादा एड फिल्म्स बना चुके हैं ये राइटर भी हैं इन्होंने फीचर फिल्म भी डायरेक्ट की है शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं सनबर्न जैसा जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो भी इंडिया में लाने वाले ये हैं बॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन का टैलेंट मैनेज भी करते हैं सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इन सब में से आपका फेवरेट चीज़ कौन सी है कि सब जगह से पैसा कमाना है आपको मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था जी कि मैं आपके शो पे आऊँ अरे सर ये आपका प्यार है आप ऐसा बोल रहे हो नहीं नहीं सो स्वीट ऑफ यू बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी ये शो देख रहा है वर्ल्ड में ये समझे कि आप हर बार जब एक एपिसोड करते हैं आप अपने एक दिल का एक हिस्सा बांटते हैं पूरे वर्ल्ड में ये मजाक नहीं है एक्चुअली पाजी कुछ अफवाहें हैं सबके बारे में जो ऐसे मार्केट में फैलती रहती हैं जब आदमी पॉपुलर हो जाता है तो मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहूंगा आप बताना कि उस बात में सच्चाई है या नहीं पाजी आपके बारे में अफवाह की सब तो पहला शिकार में नहीं मैं कि जब आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं बोलते हैं कि ऐसे पूरे स्टूडियो की लाइट जो है वो रेड कर देते हैं कभी ब्लू कर देते हैं ऐसा आपको स्पेशल लाइट चाहिए होती है गाने के लिए नहीं मैं एक्चुअली डार्क कर देता अच्छा जी वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि एक पैशन होता है डायरेक्टर्स का प्रोड्यूसर्स का उसमें कहीं हमारे चाहने वाले भी आ जाते हैं तो वो पूरी फैमिलीज के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ चाचा जी मामा जी और ये सेलिब्रेशन होती है ये अच्छा भी लगता है एक रौनक सी लगती है अच्छा फिर सबको वहीं पे बैठना है जहाँ पे मैं गा रहा हूँ मेरे को कॉन्सेंट्रेशन मुश्किल होती है तो मैं ये उनको ये तो नहीं कह सकता कि आप बाहर जाइए तो लाइट ही बंद करवा दी अब चक्कर ये कि गाना कैसे पढूं तो को गाना तो मुझे जल्दी से याद उसी वक्त तो याद नहीं होगा तो गाने को मैं रखता हूँ सामने ऐसा तो जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है जिसे कंसोल कहते हैं जहाँ पे वहाँ की लाइट फुल रखता हूँ तो उसकी रिफ्लेक्शन से एक एक शब्द मेरे को क्लियर नजर आता है क्या बात और मैं पिछले 15 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ कि मैं अंधेरे में गाता हूँ अच्छा तरीका है ये अच्छा आइडिया पाजी ये हाँ। वो था मैंने ना पहली फिल्म जब करी ना अब्बास मस्तान साहब के साथ मैंने अवध सिंगर एक गाना मैंने गाया तो ना वो मेकिंग वाले आ गए आपकी पहली फिल्म में आप पहली बार गा रहे हैं कैमरा लेके वो हैलोजिन लाइट लेके आ गए मेरे इतनी आंखों में मारी और जो कैमरा लेके खड़ा रहा गाओ मेरे ना फील आए ना कुछ ये अच्छी चीज है जुबिन आपके बारे में एक अफवाह सुनी है गलत है नहीं 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 कहते कि लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं ये सांप पकड़ भी लेते हैं इससे आपको आपको डर नहीं लगता अच्छा सांपों के साथ कुछ रिश्ता है मेरा शायद प्यार है मुझे सांपों से मेरा फेवरेट हंसी मजाक में पकड़ लेते हैं But you can catch a snake. हाँ मैं पकड़ सकता हूँ सांप कोई भी स्नेक कितना प्यारा सिंगर है सांप पकड़ लेता इतना रिस्क मैं लेना नहीं चाहूंगा बट हाँ मतलब अगर सामने किंग कोबरा खड़ा है तो मैं भी भागूंगा आपकी तरह बट हाँ अगर प्यारा सा एक सांप जा रहा है अच्छा लग गया सांप कैसे प्यारा होता जुबी अभी सांप कोई लिपस्टिक लगा के आएगा कि सांप तो सांप होता है ना सर असल में मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ जैसा आपको पता है तो हम गांव से आए हैं और किसान वाली बात है अंदर तो फिर वो बॉर्डर से पाकिस्तानी सांप भी आ जाते कभी कभी बिना वीजा के तो हमारे तो बॉर्डर पे तो बहुत सारे होता है सर एक सवाल पूछूं जी हाउ डू यू मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो मेल और फीमेल सांप में अरे
मुझे सांप से प्यार है, मैंने भी जेंडर उसमें घुसा नहीं, मैं जेंडर में मुझे फीमेल सांप ज्यादा आती है। सवाल आपने बड़ा वैसे इंटेलिजेंट पूछा, इंटेलिजेंट उनकी लुक्स के हिसाब से फीमेल साहब आते हैं। मुझे तो ये भी कई लोग बोलते दही खाया, आपने दही खाई, फिर दही का क्या देख लिया जो आप खाया के खाई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।